अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारिया खान फ्रॉम amanat.com। हम लोगों ने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है टाइम्स ऑफ रियल स्टेट के नाम से, और इस शो में स्पेसिफिकली हम लोग डिफरेंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको इनवाइट किया करेंगे। इसका एक मकसद ये है कि बहुत से डिफरेंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं मार्केट में, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं लोगों की, जिसके बारे में वो आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं, और उन तमाम उनकी कन्फ्यूजन्स को, उनकी क्यूरीज को आंसर करने के लिए, उनको कॉन्ट्रोवर्सीज से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको क्लियर करने के लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाया करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट एक्सपर्ट कैसे मुबारक साहब, जो कि स्पेसिफिकली लाहौर स्मार्ट सिटी में ही डीलिंग करते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी में ही काम करते हैं, और ये अपनी तमाम वीडियोस मोस्टली पंजाबी में बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, और आज हम भी इनसे पंजाबी में ही गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसे भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, सबसे पहले तो साढ़े शो देश खुश आमदीद। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सुनाओ की हाल है तुम्हारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम सुनाओ खैरियत नाल। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे भाई, तुसी सानू आज लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे कुछ दसो। लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे, लाहौर स्मार्ट सिटी देखो जी, लाहौर स्मार्ट सिटी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिहड़ा तुहाडे लाहौर दे विच आया, ते ओवरसीज पाकिस्तानी ते लाहौर दे च रहण वाले या दाएं बाएं जिन्ने भी लोग तुहाडे पाकिस्तान दे च रहण वाले लोग ने जिहड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्होंने वास्ते एक बेहतरीन जिहड़ा एक प्रोजेक्ट है जिहड़ा लाहौर दे लॉन्च किया गया। हुण कैसे भाई, सानू यह दसो कि लाहौर स्मार्ट सिटी दे च इन्वेस्टमेंट करने का की फायदा है, यानी लाहौर दे च बाकी भी कई सोसाइटियां ने, तो लाहौर स्मार्ट सिटी दे च ऐसा की है कि इत्थे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है। अच्छा सवाल तुहाडा। देखो लाहौर स्मार्ट सिटी बाकी सोसाइटियां तो अलग तास दे वे कि एक तो इनकी जी लोकेशन है वह बहुत प्राइम लोकेशन है, तो दूसरा इनका देखो सब तो पहले देखा जाता है कि इन्हें डिवेलपर कौन ने, इन्हें पिछले इनका बैकग्राउंड कितना मजबूत है। अमूमन होंगे लोग सोसाइटियां लॉन्च कर लेंगे ने, सोसाइटियां लॉन्च करने तो बाद हल्की फुल्की कटिंग की उस तो बाद लोग छड़ जाते हैं, लोगों को चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती ना। बहुत सारे लोग साढ़े ओवरसीज वाले भी लोग ऐसे ने जिन्हें पैसे ज़ाया हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के मामला इस तरीके से है कि लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफीक का प्रोजेक्ट है, ठीक है, हबीब रफीक का प्रोजेक्ट है, दूसरा डिवेलपर बहुत तगड़े ने, तो इस तो पहले भी तुहाडी पाकिस्तान की जी मशहूर सोसाइटियां ने जिन्हों का अच्छा नाम आता है सोसाइटियां दे विच, वो तमाम सोसाइटियां नू जिहड़ा ना हबीब रफीक डिवेलप कर चुकी है। तो देखो जो इंसान किसी वास्ते काम कर रहा होंगे उदो चीज़ होर होंगी है, जो तुम अपनी सोसाइटी से काम करते हो अपने वास्ते काम करते हो तो उनके वास्ते बहुत ज़्यादा जरा ना अच्छी तो अच्छी चीज़ बंदा करता है कि जी दूसरिया कमियां लोग रखवाते हैं आप वो इस खमियां भी इंशाला जरा ना क्डन गए ताकि इन्हों की सोसायटी जी ना बाकी सोसायटियों तो डिफरेंट हो। दूसरा स्मार्ट सिटी कॉन्सैप्ट इस तो पहले तुहाडे पाकिस्तान किसी भी सोसायटी ने लॉन्च नहीं किया, यह पहली स्मार्ट सिटी है तुहाडे पाकिस्तान की, तो इस तो पहले भी जी स्मार्ट सिटी वो साड़ी स्मार्ट सिटी है जी असी मोटरवे से बना रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम तो, दूसरी साड़ी है लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम तो है। तो स्मार्ट सिटी कॉन्सैप्ट हर चीज़ स्मार्ट है, जिस तरह तुम देसी लफाज समझने वास्ते काफ़ी है कि फोन जिहड़ा तुहाडा हैगा तार वाला फोन तो मोबाइल फोन हूँ जिते मर्जी लै लैके फिरो तुम अपने फोन में तार वाले फोन कितने लै लैके फिर सकते हो, एक छोटा जि समझा से स्मार्ट तो दूसरा जो कॉन्सैप्ट है इस तरीके के नाल। तो हुण कैसे भाई, सानू यह दसो कि लाहौर स्मार्ट सिटी दे जिहड़ी इन्वेस्टमेंट हैगी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी किहड़ी इन्वेस्टमेंट वधिया रहेगी? देखो जी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल गल की जाए तो देखो लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म दोवें इन्वेस्टमेंट तुहाडे वास्ते सेफ ने। सब तो अच्छी चीज़ जिहड़ी हैगी है कि जिहड़े लोगों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी की वह भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट कमाया, तो देखो जिथे मिसाल दें कि जिथे एक बंदे ने लख रुपया कमाया उत्थे वो दो लख रुपया कमाएगा, तीन लख रुपया कमाएगा, चार लख रुपया कमाएगा, जिस तरह जिन्ना टाइम उन्दे विच रहेगा जिन्ना टाइम उस सोसाइटी दे विच अपनी पैसे इन्वेस्ट रखेगा अपनी चीज़ नू बाइंग करके रखेगा उनका होल्ड करेगा उनकी जी किश्तां वगैरह है वो जमा करवाता रहेगा। तो देखो जिस तरह जिनी जिहड़े लोगों देखो जी पहली इन्वेस्टमेंट की है जिहड़े लोगों ने पांच मरला 19 लाख वाली फाइल खरीदियां ने, जिन्होंने अठ पांच मरला 18 लाख वाली फाइलां खरीदियां ने उन्होंने इस टाइम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कनाल के भी एक बेहतरीन प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यह जी चीज़ा आई ना जी देखो यह शॉर्ट टाइम एक आ जाएँ हाले तो सिर्फ फाइल आई हाले तो प्लॉटों की तो गल ही नहीं हो रही, जो प्लॉट बन जाते हैं तो फिर तो जाहिर की गल है कि उनके एक अच्छा तुम जरा ना वो बैकअप मिल सकता उस चीज़ का। बिल्कुल। तो कैसे भाई बहुत शुक्रिया सानू वक्त देने वास्ते, अपना बहुत सा ख्याल रखो तो मजीद वीडियोज़ बनाते रहो जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं,
और व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट हमारी टाइम्स ऑफ रियल स्टेट की एपिसोड पसंद आई होगी। हमारे ही चैनल के ऊपर मजीद और भी कई डिफरेंट रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोकेटेड हैं, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। और इसी तरह की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली दफ़ा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। amanat.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।